ये 15-16 साल के, बल्कि उससे भी कम बात करते हैं, 11-12 साल के बच्चों के हाथ में फोन हो गया और वो स्टेटस डालते हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुमसे इतना सच्चा प्यार करती हूं। अबे, करने के बाद तुम आवाज लगाते हो मम्मी कर ली धो दो, पढ़ने लिखने की उम्र है और उसमें तुम्हें सच्चा प्यार हो रहा है। और पता है एक चीज जो बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है और जो हो रहा है, हम क्या करते हैं बात बात पे ना, सामने वाले को, मतलब पार्टनर को ही नहीं कहूंगा मैं, घर पे भी, आपने ये नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगा, आपने ये नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगी, तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा मैं ना मर जाऊंगी। पता ये ना हम अपने अंदर ये साइकोलॉजिकल ना क्रिएट करते जा रहे हैं, हर चीज पे मरने की धमकी देना, अंदर ही अंदर ना हम इस चीज को पालते जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा ना तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी। और वो अंदर ही अंदर इतना पलता जाता है ना, इतना पलता जाता है कि एक टाइम आता है ना हमारे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता है, यार ये नहीं हुआ अब तो मुझे मर जाना चाहिए। पता है परेशानी की वजह क्या होनी चाहिए हम यंगस्टर्स के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारे लिए क्या है? प्यार। यार उसने ना मुझे हाँ नहीं करी, मैं परेशान हूं। ये नहीं देख रहे 3 साल से तुम एसएससी और यूपीएससी की तैयारी करो, तुम्हारा वो क्लियर नहीं हो, तुम्हें परेशान उसके लिए होना चाहिए। लेकिन नहीं यार, वो ना आज देख के पलटी नहीं मुझे, यार मैं परेशान हूं, यार यार उसके मन में ना कोई और है, वो किसी और को प्यार करने लगी है। पता है जिससे तुम प्यार करते हो ना उसको बिल्कुल फ्री छोड़ो, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो। पता है अगर तुम एक शीशे के महल में किसी को बिठा दोगे ना, या फिर यूं कहो कि शीशे की 4 दीवारी में बिठा दोगे और उसके आसपास भी तुम पहरेदार बिठा दोगे ना, अगर उसे धोखा देना है ना वो तुम्हें तब भी धोखा दे देगा। मैंने तुम्हें एक बड़ा प्यारा सा किस्सा सुनाता हूँ, ये मेरे दोस्त की कहानी है। तो वो रिलेशनशिप में था और वो अपनी बंदी के साथ ना रात को वीडियो कॉल पे बात करते करते सोया करता था। तो जैसे होता गया कि जब उसे नींद आने लगती तो कहता कि बेबी मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है, फिर ताकि मेरे को थोड़ी सी नींद आराम से आ जाएगी। तो बेबी कहती ठीक है कर दो, फिर पहले वो लाइट बंद कर देता था, फिर उसके बाद कहता कि बेबी आपको तो पता है मैं खर्राटे लेता हूँ तो मैं म्यूट पे कर देता हूँ फोन को। तो जैसे वो वीडियो कॉल पे बात करते थे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी, ये मैं बताऊंगा नहीं, तो वो उसको म्यूट पे कर देते थे, ठीक है। तो अब यहां से कहानी सुनना कि मतलब मेरा दोस्त है, उसने अपना फोन यूं रख रखा है, वो यहां पर सो रहा है और वो करवट बदल लेता था, ठीक है, करवट बदल ली और वो चादर ओढ़ के सोता था और लाइट बंद है, म्यूट पर है फोन, बेबी को दूसरी साइड लग रहा है कि बाबू मेरा सो गया आराम से। और बाबू के पास क्या था, एक दूसरे वाला फोन था और दूसरे वाले फोन से बाबू आराम से दूसरी गर्लफ्रेंड से लगा के कान पे और पूरी रात बात करता था। और इधर बेबी को नहीं पता कि बाबू के पास दूसरा फोन है। कहने का मतलब समझो कि किसी को ना आप चाहे कितना भी वो कर लो, कितना भी प्यार कर लो, कितनी भी केयर कर लो, अगर उसे धोखा देना है ना वो ऐसा तरीका ढूंढ लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिससे मोहब्बत करते हो ना उसको आजाद छोड़ो, अपने करियर पे ध्यान दो। मतलब दिमाग में हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे होते हैं ना और दिमाग में चल रहा है यार वो आज फिर सुमित से बात कर रही होगी, यार उसका ना पहले से ही मोंटी के साथ चक्कर चल रहा है और मोंटी से उसकी रात को बात भी हुई है, इस टाइम पे वो क्या बात कर रहे होंगे। अबे एसएससी की तैयारी कर रहा है, प्रॉफिट लॉस निकालना, प्रॉफिट लॉस अपना वहां मैथ में निकालना, कहीं और क्यों सोच रहा है। मतलब ऐसा है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, ब्याज दर कितनी होगी, इंटरेस्ट निकालते निकालते दिमाग में चल रहा है यार उसका तो इंटरेस्ट ही सोनू में है। कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में और बात बात पे ना मरने की बातें करना बंद करो, जीने की बातें करना शुरू करो। बहुत खुश नसीब हो कि ये जिंदगी मिली है, ठीक है, इसका यूज करो। ये जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर ये जो इनकम टैक्स में लगते हैं या फिर ये जो बॉलीवुड एक्टर वैक्टर, ये हमारी तरह ही तो है ना यार, इन्होंने मेहनत की ना बस, क्या पता हम भी बन जाएंगे। ध्यान रखो अपना और एक और चीज, मुस्कुराना मत भूलना।